तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन और मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गया हूं आपके अपने चैनल क्रिकेट विद चेतन पे एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस नॉकआउट सेमीफाइनल को। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लेयर स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट्स, टीम स्टेट्स एंड काफी कुछ जो आपको हेल्प करेगा टीम बनाने में, मैच को समझने में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन एनालिसिस मिल सके और आप एक अच्छी टीम बना सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इस टूर्नामेंट के बाद हम और बहुत सारे मैचेस कवर करेंगे, उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपने भी जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के मैच की। तो यहाँ से ये मैच 43rd यानी 43वां मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का, जो कि खेला जाएगा कल 9 तारीख को ठीक 1:30 बजे। तो इससे ठीक आधे घंटे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव हो जाना है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि टॉस के बाद कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस होता है, तो वो चेंजेस हम आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर देंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में से आपको लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइए वहां से। और बात करूं अगर ग्राउंड की, तो ये मैच खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह दिखाई देता है ये स्टेडियम। तो ये एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह दिखाई देता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। काफी खूबसूरत स्टेडियम है, ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ की जो बाउंड्री डायमेंशंस की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सामने की बाउंड्री है वो 76 एक तरफ और दूसरी तरफ 79 मीटर्स की है। तो काफी लंबी बाउंड्रीज है, जैसे कि बाकी मैदानों में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफी काफी बड़ी बाउंड्रीज रहती है ऑस्ट्रेलिया में। पर इस मैदान पे आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे जो साइड बाउंड्रीज है उसमें एक तरफ 70 और 74 के जो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है, पर एक तरफ 68 और 65 की छोटी बाउंड्रीज है। तो यहाँ पे एक तरफ काफी छोटी बाउंड्रीज है, तो हो सकता है बैट्समैन टारगेट करे इस बाउंड्री को और यहाँ से रन बटोरने की काफी कोशिश करेंगे। तो आगे बात करते हैं यहाँ के पिच रिपोर्ट की। तो जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वो हमेशा की तरह एक बैटिंग फ्रेंडली सरफेस माना जाता है, जो कि काफी अच्छा बैटिंग ट्रैक है, बैट्समैन पसंद करता है यहाँ पे बैटिंग करना, और खास करके जो फर्स्ट इनिंग में है। हालांकि सेकेंड इनिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो पिच है वो काफी स्लो हो जाती है, और फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे जो फास्ट बॉलर उनको हेल्प मिलती है, और सेकेंड इनिंग में भी अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है। तो बात करते हैं यहाँ के स्टेट्स की। तो यहाँ पर अभी तक टोटल 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसने 11 मुकाबले जीते हैं, वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने सिर्फ 6 मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो पहले बैटिंग करती है उसको काफी फेवर करती है यहाँ की टीमें, यहाँ की पिचेस सॉरी। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी करे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से एवरेज स्कोर की। तो अराउंड 177 का स्कोर होते हुए दिख सकता है, जो कि काफी बड़ा स्कोर है। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। और बात करते हैं यहाँ से पेसर्स और स्पिनर्स के विकेट की। तो लास्ट 5 मुकाबलों में यहाँ पेसर्स ने 44 विकेट निकाले हैं, वहीं स्पिनर्स भी 26 विकेट निकाल पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों को लगभग इक्वली हेल्प करती है यहाँ की पिचेस, क्योंकि जो सेकेंड इनिंग में है पिच स्लो हो जाती है, अच्छा खासा थोड़ा ग्रिप और टर्न देखने को मिल सकता है स्पिनर्स को। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को जरूर रख लीजिएगा अगर कोई अच्छा क्वालिटी स्पिनर्स टीम में है, जैसे कि जो न्यूजीलैंड है उसकी तरफ से आप स्टोडी एंड मिशेल सेंटनर बेस्ट है, जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से शादाब खान। तो ये कुछ अच्छे स्पिनर्स है जो टर्न करा सकते हैं इस पिच पे सेकेंड इनिंग में। तो बात करें अगर लास्ट 2 मैचेस की इस ग्राउंड पे, तो यहाँ इंग्लैंड ने जो अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेला था, उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी थी और 41 रन बना दिए थे, और उसको इंग्लैंड ने हालांकि आसानी से चेस कर लिया था। और ये पहला मैच था इस वर्ल्ड कप में इस पिच पे जो सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था। तो आप समझ सकते हैं इंग्लैंड काफी अच्छी बैटिंग करती है, सेकेंड इनिंग में भी वो इस मैच को जीत सकती है, भले ही यहाँ के पिचेस सेकेंड इनिंग में थोड़ी स्लो हो जाए।
तो बात करूं अगर यहाँ पे जो विकेट निकाले थे पेसर्स और स्पिनर ने, तो पेसर ने 8 विकेट निकाले थे और स्पिनर्स ने भी 5 विकेट निकाले थे, तो दोनों को हेल्प मिली थी। और बात करें अगर दूसरे मुकाबले की, तो यहाँ पे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को जो मुकाबला हुआ था उसमें पाकिस्तान ने पहले फिटिंग करते हुए 185 का बड़ा स्कोर बनाया था, और सेकेंड इनिंग में हालांकि बारिश आई थी और साउथ अफ्रीका को 14 ओवर में 142 का टारगेट मिला था और वो सिर्फ 108 रन बना पाई थी, तो यहाँ पाकिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया था। तो यहाँ बात करें तो पेसर्स ने 13 विकेट निकाले थे, उस स्पिनर ने 3 विकेट निकाले थे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पूरी जो इनिंग हुई नहीं थी सिर्फ 14 ओवर, बारिश के कारण मैच में काफी इंटरप्शन हुआ था और पेसर्स ने पहले इनिंग में विकेट निकाल पाए थे। तो ये तो लास्ट 2 मैचेस थे। और बात करें वेदर फोरकास्ट की, तो यहाँ से वेदर जो weather.com है उसकी साइट के अनुसार 20% चांसेस है कि कल के मैच में बारिश हो, तो काफी कम चांसेस है, तो हो सकता है कल के मैच में हमें कोई भी बारिश देखने को ना मिले और एक अच्छा मुकाबला देखने को और पूरा मुकाबला देखने को मिले। तो यहाँ से सनी वेदर रहने वाला है, धूप खिली हुई रहेगी, तो ये तो वेदर फोरकास्ट था। यहाँ से आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो भी 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहने वाला है। तो बात करते हैं अब हेड टू हेड मुकाबलों की, तो यहाँ से अभी तक दोनों टीमों ने 28 मुकाबले खेले हैं आपस में T20I इंटरनेशनल में। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने उन 28 मुकाबलों में से 17 मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 11 मुकाबले जीते हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है और उसने ज्यादा मैच जीते हैं न्यूजीलैंड से जब वो आमने सामने खेलती है। और इस टूर्नामेंट में भी दोनों टीमों ने जो वर्ल्ड कप जो अभी तक टूर्नामेंट हुए हैं टोटल, उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने अराउंड 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 4 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी अच्छा खेलती है। तो आगे बात करते हैं मिचेल सेंटनर की, जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, काफी कम रन देते हैं, काफी इकोनॉमिकल बॉलर है टीम के, और अभी तक वर्ल्ड कप की 4 इनिंग में 8 विकेट निकाल चुके हैं, तो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो मस्ट पिक अपने टीम में जरूर रख लीजिएगा और जीएल में कैप्टनसी जरूर ट्राई कीजिएगा अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं मिचेल सेंटनर। तो यहाँ से बात करते हैं अब पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ओपनिंग करते हुए देखेंगे, काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं अभी तक वर्ल्ड कप में और टीम के लिए रन नहीं बना पा रहे हैं और स्ट्राइकर तो काफी कम है दोनों का, अच्छी शुरुआत अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली है सारे मैचेस में, और मोहम्मद रिजवान ने 4 इनिंग में सिर्फ 14 रन बनाए हैं। फिर बात करूं बाबर आजम की, तो इन्होंने 4 इनिंग में 78 रन बनाए हैं, तो बड़े मैच के प्लेयर है, बड़े प्लेयर है दोनों, हो सकता है कल के मैच में एक अच्छी शुरुआत दे टीम को। फिर आते हैं मोहम्मद हैरिस, तो यहाँ से इन्होंने अभी तक एक मैच खेला है जिसमें 28 रन बनाए थे। फिर आते हैं ईशान मसूद, जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के 4 इनिंग में 110 रन बना चुके हैं, और इफ्तिकार अहमद जो कि काफी अच्छा खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि इनको जो ऑस्ट्रेलिया के पीछे से काफी अच्छी लगती लगती है, यहाँ पे काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, जहाँ इन्होंने अभी तक 4 इनिंग में वर्ल्ड कप के 113 रन बना चुके हैं। बात करें यहाँ से मोहम्मद नवाज की, तो इन्होंने अभी 4 इनिंग में 49 रन बनाए हैं और 2 विकेट निकाले हैं अभी तक वर्ल्ड कप की। फिर आते हैं शादाब खान, जिन्होंने अभी तक 4 इनिंग में 78 रन बनाने के साथ साथ 8 विकेट भी निकाल चुके हैं। बात करें अगर मोहम्मद वसीम की, तो अभी तक 3 इनिंग में 7 विकेट निकाल चुके हैं वर्ल्ड कप में। और हरीश राउत, जिन्होंने अभी 4 इनिंग में 5 विकेट निकाले हैं, और नसीम शाह, जिन्होंने अभी तक 4 इनिंग में 3 विकेट निकाल चुके हैं। तो फिर आते हैं शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 4 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं अभी तक वर्ल्ड कप की। तो ये तो पाकिस्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। यहाँ से जो मस्ट पिक हमारे हैं इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम एंड शादाब खान एंड शाहीन अफरीदी, तो ये हमारे मस्ट पिक पाकिस्तान की तरफ से होंगे अगर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो। और बात करूँ यहाँ से जीएल पिक की, तो यहाँ से हमें मोहम्मद हैरिस, देन मोहम्मद हैरिस के देन आप रख सकते हैं यहाँ से मोहम्मद नवाज भी हो सकते हैं अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं, तो इनको जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि विकेट निकाल सकते हैं सेकेंड इनिंग में इनको बॉलिंग मिलती है, तो यहाँ से आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस ऑन दिस वेन्यू, तो यहाँ से फिन एलन ने अभी तक 2 मुकाबले खेले थे और उसमें अभी तक 43 रन बनाए हैं, जहाँ एक बार इन्होंने 42 रन बनाए थे। फिर आते हैं ड्राई कॉन में, जिन्होंने 92 रन बनाए थे इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया स्टीव मैदान पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट मैच में वर्ल्ड कप के, तो उस मैच में अच्छा खेले थे, हालांकि लास्ट मैच में ये आउट हो गए थे सिर्फ 1 रन पे।
बात करें केन विलियमसन की, तो अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं इस ग्राउंड पे और इन्होंने अभी तक एक बार 8, एक बार 23 और एक बार 8 की कुछ पारियां खेली है। फिर आते हैं जी फिलिप्स, जिन्होंने एक बार 12 रन बनाए थे इस मैदान पे और इस वर्ल्ड कप में एक बार 104 रन मार चुके हैं। तो यहाँ से जी फिलिप्स और डेराइन कोनवे ने अच्छी पारियां खेली है इस मैदान पे। तो फिर आते हैं डेराई मिचेल, जिन्होंने इस मैदान पर अभी तक वर्ल्ड कप में एक पारी खेली थी, वहां 22 रन बनाए थे। और फिर आते हैं जेम्स मिशम, जिन्होंने अभी तक इस मैदान पर 26 और 5 की पारियां खेली है। बात करें लोकी फर्गुसन की, तो इन्होंने 2 इनिंग में बॉलिंग की थी इस मैदान पे और 2 विकेट निकाले थे, दोनों इनिंग में एक एक विकेट निकाला था। फिर बात करें इस सोडी की, तो यहाँ से इन्होंने 3 इनिंग में बॉलिंग की है और 3 विकेट निकाले हैं इस मैदान पे, जहाँ एक में ये विकेट लेस गए थे। बात करें ट्रेंट बोल्ट की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 मैच में इन्होंने लगभग हर मैच में विकेट निकाला है और एक में 4 विकेट का होल निकाला था। तो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। ओपनिंग करेंगे तो किसको आउट कर सकते हैं, ये मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम में से किसी को या दोनों को आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखें तो टीम साउदी, जो कि काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लगभग हर मैच में विकेट निकाल के जा रहे हैं यहाँ पे, और एक मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे। तो ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी जो ओपनिंग करेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग में, तो यहाँ से हो सकता है कि पाकिस्तान के विकेट जल्दी गिर जाए, क्योंकि दोनों ही अच्छी बॉलिंग करते हैं इस मैदान पे। तो आप इनको टीम में जरूर रखिएगा और कैप्टन कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कीजिएगा दोनों को। फिर आते हैं मिचेल सेंटनर, जिन्होंने 2 मैच खेले हैं और यहाँ पे एक बार 3 विकेट निकाले थे और एक बार 2 विकेट निकाले थे इस मैदान पे। तो ये भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी वीडियो में, कि आप इनको सेकेंड इनिंग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान के बैटिंग परफॉर्मेंस ऑन दिस वेन्यू, तो यहाँ से पाकिस्तान परफॉर्मेंस ऑन दिस वेन्यू, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी है तो सिर्फ बैटिंग की नहीं है। तो जो पाकिस्तान है वो कैसा परफॉर्म करती है इस वेन्यू पे ये प्लेयर्स, तो यहाँ से इन्होंने मोहम्मद रिजवान 2 मैच खेले हैं यहाँ पे तक अभी इस मैदान पे। तो यहाँ एक बार 31 रन बनाए थे, एक बार 4 रन बनाए थे। फिर आते हैं बाबर आजम, जिन्होंने एक बार 59 रन बनाए थे और एक बार 6 रन बनाए थे इस मैदान पे। बात करें मोहम्मद हैरिस की, तो 1 मुकाबला खेला है वर्ल्ड कप में और 28 रन इसी मैदान पे बनाए थे। शान मसूद ने सिर्फ 2 रन बनाए थे इस मैदान पे। फिर आते हैं इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने अर्धशतक लगाया था इस मैदान पे, तो काफी अच्छा खेलते हैं इफ्तिकार अहमद। अभी आपने देखा होगा कि टीम साउदी और जो ट्रेंट बोल्ट है वो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो हो सकता है इफ्तिकार अहमद की बैटिंग आए और वो रन बना सकते हैं यहाँ पे। जरूर ट्राई कीजिएगा आप इनको एज ए कैप्टन जीएल में। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, जिन्होंने 28 रन बनाए थे इस मैदान पे। बात करते हैं शादाब खान की, तो इन्होंने भी 1 इनिंग में यहाँ पे 52 रन बनाए थे और 2 विकेट निकाले थे इस मैदान पे। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं शादाब खान भी इस मैदान पे, तो जरूर रख लीजिएगा अपने टीम में। फिर आते हैं मोहम्मद वसीम, जिन्होंने 1 विकेट निकाला था, और हरीश राव, जिन्होंने भी 1 विकेट निकाला था इस मैदान पे। फिर आते हैं नसीम शाह, जिन्होंने भी सिर्फ 1 विकेट निकाला था और 1 मैच में यहाँ पे। बात करें शाहिन अफरीदी, तो इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, तो काफी अच्छी बॉलिंग की थी उस टाइम। तो यहाँ से आप शाहिन अफरीदी, शादाब खान एंड जो इफ्तिकार अहमद है उनको जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर बात करें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग परफॉर्मेंस कैसे रहती है, तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान ने अभी तक 8 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और 27 की एवरेज से 219 रन बनाए हैं। तो डिसेंट परफॉर्मेंस है इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाबर आजम की बात करें, तो 10 इनिंग में 359 रन बना चुके हैं और 45 की बेहतरीन एवरेज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो काफी अच्छा खेलते हैं बाबर आजम। फिर आते हैं फकर जवान, जो कि हो सकता है हमें प्लेइंग 11 में देखने को नहीं मिले, पर इन्होंने 6 इनिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ 145 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 24 का रहा था। फिर आते हैं इफ्तिकार अहमद, जो कि काफी अच्छा खेलता है मैदान पे और न्यूजीलैंड के खिलाफ देख सकते हैं लगभग नॉट आउट रहे थे। 3 इनिंग में इनका 66 का एवरेज है इसीलिए, और इनने 66 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा रहा था 138 का। बात करें आसिफ अली की, तो ये भी हमें प्लेइंग 11 में तो नहीं दिखेंगे शायद। तो इन्होंने भी 6 इनिंग में 117 रन बनाए और 39 की बेहतरीन एवरेज रही थी इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर आते हैं शादाब खान, जिन्होंने अभी तक 6 इनिंग में बैटिंग की है और 88 रन बनाए हैं, हालांकि इनका एवरेज 15 का रहा है। बैटिंग से इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन न्यूजीलैंड के खिलाफ कर नहीं पाते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की पाकिस्तान की, तो यहाँ पे इन्होंने शादाब खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मैच खेले हैं और 11 विकेट निकाल चुके हैं। फिर आते हैं हरीश राव, जिन्होंने अभी तक 24 ओवर में 14 विकेट निकाल चुके हैं, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं अपनी बॉलिंग से। हरीश राव 13 के एवरेज से बॉलिंग करते हैं, तो लगभग हर 13वीं गेंद पे विकेट निकाल ले जाते हैं। फिर आते हैं शाहीन अफरीदी,
जिन्होंने अभी तक 6 मैचेस में 8 विकेट निकाल चुके हैं। इनका 22 का एवरेज रहा था वो इन 6 मैचों में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए। तो आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ से केन विलियमसन जिन्होंने 18 इनिंग में 538 रन बनाए, 36 के बेहतरीन एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, तो काफी अच्छा खेलते हैं केन विलियमसन। बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो हो सकता है केन विलियम्स की तरफ से हमें कल बड़ी पारी देखने को मिले। फिर आते हैं डेवन कॉनवे जिन्होंने 6 इनिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 39 के बेहतरीन एवरेज से 94 रन बनाए हैं। और बात करो जी फिलिप्स, तो ये तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ 17 की एवरेज से 165 रन बनाए हैं। फिर बात करूँ फिन एलन की, तो ये 29 की एवरेज से 87 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 155 का रहता है इनका पाकिस्तान के खिलाफ, तो काफी अच्छे कम गेंदों पे ज्यादा रन बना के दे सकते हैं आपको कल के मैच में। फिर आते हैं मिचेल सेंटनर जिन्होंने 27 के एवरेज से 81 रन बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनका स्ट्राइक 135 का रहा था, तो अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मिचेल सेंटनर। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ से टीम साउदी पाकिस्तान के खिलाफ 17 मैचों में 17 की एवरेज से 28 विकेट निकाल चुके हैं, तो यहाँ से काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि इस वेन्यू में भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं टीम साउदी, तो आप इनको जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आते हैं मिचेल सेंटनर जिन्होंने 19 की बेहतरीन एवरेज से 12 विकेट निकाल चुके हैं 10 मैचों में अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आते हैं इसोडी जिन्होंने 14 मैच में 10 विकेट निकाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं। फिर आते हैं जेम विलियम्स जिन्होंने 9 मैचों में 5 विकेट निकाल चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सेम ट्रेंड बोल ने भी 9 मैचों में 5 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ से तो टीम साउदी और मिचेल सेंटनर काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनको जरूर ट्राई कीजिएगा जीएल में। अगर बात करूँ न्यूज अपडेट की, तो यहाँ से अब तक कोई इंजरी की अपडेट नहीं है दोनों टीमों की तरफ से। आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा। अगर आप वहां नहीं जुड़े तो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं अब इनिशियल टीम की। तो यहाँ से हमने ये इनिशियल टीम बनाई है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में ड्राई कॉनवे फिन एलन एंड मोहम्मद रिजवान को रखा है। यहाँ से मोहम्मद हैरिस भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, पर यहाँ से 4 विकेट कीपर रखेंगे, तो यहाँ से हमको मिचेल सेंटनर और शादाब खान को ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं रख पाएंगे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है टीम में रखना। तो आप उनको जेल में ट्राई कीजिएगा, एस एल की जगह बन नहीं पा रही है इस टीम में। बात करें अगर बैटिंग सेक्शन में, तो हमने इफ्तिकार अहमद, केन विलियमसन और बाबर आजम को रखा है। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से हमने शादाब खान, मोहम्मद मिचेल सेंटनर को रखा है अपने ऑलराउंडर सेक्शन में। और बात करते हैं बॉलिंग में, तो यहाँ से हमने शाहीन अफरीदी टीम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में रखा है। यहाँ से हमने कैप्टन बनाया शादाब खान और वाइस कैप्टन मिचेल सेंटनर को बनाया है। हालांकि आप केन विलियमसन को कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि आप काफी अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और एक और चॉइस है आपके सामने टीम साउदी, वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तो हमारी इनिशियल टीम थी, फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।